नमस्कार दोस्तों, ये जो भाई लोग खड़े हुए हैं, ये जो घटना हुई थी 8 तारीख को, तो उनके गांव से बिलोंग करते हैं जिन्होंने डिप्रेशन में आकर ट्रेन के आगे अपनी जान दे दी। तो मैं इनसे जानता हूँ वो लोग कैसे थे लड़के और उनका मामला क्या था। तो चलते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अच्छा महादेव जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ आपके गांव से कितना दूर है इनका गांव? 4 किलोमीटर है। मतलब आपका गांव और इनका गांव पास पास में ही है। अच्छा, तो सर ये कैसे प्रवृत्ति के मतलब आदमी थे लड़के, कैसी टाइप के थे? मतलब अच्छे थे या थोड़े ऐसे खराब लगते थे आपको? बहुत अच्छे थे, मगर कई दिनों से ऐसे बोलते हैं कि हमें मरूंगा, हम मरना चाहते हैं। अच्छा। तो हम सोचते हैं कि ऐसे कहते हैं कि कोई मरना ही हाँ, इन दोनों ने बहुत ही गलत काम किया। राजस्थान में इनका खौफ बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। हाँ, तो इनका नाम एक तो महेंद्र है और एक देवराज है, खिंचा है। अच्छा, तो गांव तो इनका केशवपुरा। तो केशवपुरा में मतलब उनके पास में कौन सा गांव आता है? एक और बेरूपुरा और केशवपुरा। अच्छा, मतलब पास पास में गाँव है। अच्छा, बूंदी जिला है ना ये? अच्छा, बूंदी जिला है, तो बेरूपुरा गांव के पास में केशवपुरा। तो उन्होंने मतलब प्यार के चक्कर में ही ये आत्महत्या वगैरह किया? अच्छा, बिल्कुल। ये पूरा का पूरा मामला प्यार का है या फिर घर वालों ने भी कुछ बोला उनसे? अच्छा, पूरा मामला प्यार का है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आपके दिल को कितनी चोट पहुँच रही है जो उन लोगों ने किया, उसके देखते आपके दिल को कितनी चोट पहुँच रही है? अच्छा, तो ये बिल्कुल सही बात कही आपने, उन्होंने बहुत गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था डिप्रेशन में आकर के। और मैं भगवान से दुआ करूँगा, हे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और सत सत नमन करना चाहूँगा। तो दोस्तों आप भी लास्ट बार उनको सत सत नमन कर दीजिए।